प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये स्कीम जो है ये चल रहा है, जहां पर कि गरीबों को देने की बात आ रही, गरीबों को अगर आप किस्त भी नहीं दोगे तो गरीब क्या करेगा, गरीब ब्याज उठाया। यहां पर प्रमाणित किया जा रहा है, ये जो साहू जी चंद्रिका साहू जी ने हमें बताया कि वो 70,000 रुपया उन्हें 5% ब्याज से लाया है, और यहाँ पर बाकी जो ईंट का है या फिर सीमेंट का है, छड़ का है, और मजदूरी जो होते हैं मिस्त्री और मजदूरों का, उनका पैसा भी वो इसी ब्याज से चुका रहे हैं। जब भी कम पड़ रहा है वो ब्याज फिर उठा के लेके आ रहे हैं। सीधा ले पैसा लेट करा थे, मतलब ब्याज में मैं उठाया हूँ, मतलब ब्याज साथ पैसा दे, वो 3 महीना 2 महीना के रिश्ते, मैं 1,00,000 पैसा लान के आए हूँ ब्याज में, तेला दे दी भरपाई अपन है, लेट करा थे पैसा दे बार। कौन दी? NSE वाला दी। हम तो ब्याज बटम तुम जैसे भी लागत लगा लो, किस्त तो हम लागत लगा दे रहे हैं, ओकर ब्याज लगो दी, लेट कवर कर रहे थे, आगू ले NSE में पैसा देते तो हम कमा दे रहते हैं, दे नहीं सकते हैं तो काय करबो, अपन भी इस चीज तो हमने उठाए नहीं रहते हैं, शौक नहीं है 5-5% ब्याज में, अपन लेट कर इसके कि हम ब्याज में उठा ले हैं, बोला NSE वाला दे दे मोला ब्याज सहित। अच्छा अच्छा। हमारे साथ है एक बेनिफिशियरी है, लाभार्थी है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिनको मिला है उनका नाम तो हम पूछेंगे, और ये हम लोग अभी मंगरा पाली में है। ठीक, आपको वर्क ऑर्डर मिला, एक कागज मिला होगा? हाँ, मिली। जब आपको कागज मिला तो उसके बाद आपने क्या किया? भगवान के बना रहो तुम, तहन संगे संग मिलते जाए, चुकती कटा जाओ कि अभी चुकती नहीं मिली, हम तो ब्याज में पैसा आन के लगाए हैं तो अभी तक भी नहीं आए हैं, छबई हो गए। हाँ, लेकिन अब तक कितना मिला आपको? 40,000 तो आए है। सिर्फ 40। झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं, प्रशासन को NSE प्रशासन को बदनाम करने के लिए बोल रहे होंगे आप? 40,000 बस आए, नहीं आए हैं। कसम से। अच्छा, आपने इसकी शिकायत किया कि मुझे सिर्फ मेरा लेंटरिंग हो गया है, उसके बाद भी सिर्फ 40 के ले गए है लेंटरिंग वाला के है? फोटो भी तो खींच के लेगी से। कितना बार आया था फोटो खींचने? 4 घाव आई से, एक घाव DPC बरोबर लाइन, ओकर बाद में गड्ढा, ओकर बाद में छत लेवल, फिर DPC खड़े के बाद में लेगी से। खड़े के बाद कौन ले गया आपका फोटो आके? अब नाप तो नहीं है मालूम, NSE वाला फोन करा था, हाथ में गी से लेके गी से। अच्छा, लेके गए। अब मतलब 4 बार फोटो भी आपका चले गया। हाँ। लेकिन सिर्फ पैसा नहीं आया? नहीं आए। अच्छा, पैसा नहीं आया कैसा पता चला आपको? अब कैसे पता चली, गए हम पूरा खाता भर गई प्रिंट पेंट कर करके, बैंक वाला अगर जाते हैं तो बैंक वाला नहीं आए, प्रिंट करा था नहीं आए। अच्छा, पासबुक में तो पता चल गया। किसने बताया कि आपको काम करो पैसा मिल जाएगा, बोले कौन बोला? NSE वाला बोली। कौन NSE में? सब मीटिंग जब वर्क आता झोंकन ते दिन बोली से। ते दिन क्या बोली से? सबको जल्दी लगा लो तो हम फिर पैसा भेजबो, चालू करबो की गड्ढा खोनो, किस गड्ढा भी खोन दे रहे, बीम खड़ा करे नो भी नहीं है, और काय करबो। अच्छा, मुझे बताइए कि आप आखिरी बार कब गए थे NSE? आखिरी बार 29 तारीख के तो गए रहे। कौन सा 29? वो महीना के फरवरी। हाँ, 4-5 दिन हफ्ता भर हो गए जाता। नहीं, मेरे को ढंग से बताओ, आप थोड़ा आइए ना उधर देखे बोलिए, आप मुझे बताइए। आखिर 4-5 दिन होते, 4-5 दिन फिर गए थे? हाँ। किससे मिले आप? वो जो एक जन वो हफ्ता गए बुधवार के, और नहीं आए मोर ना फिर आओ किस, तो बुधवार के हम नहीं जा सके। नहीं, कौन कौन? बड़े अफिसर बैठते, मालूम नहीं है कहाँ। AC रूम में बैठते वो? हाँ, AC रूम में है। ऐसा दरवाजा खोलते तो अंदर जाते हैं? वो का मुखिया चौकीदार रहते हैं। हाँ। उसके बाहर में? हाँ। अच्छा अच्छा, वो कौन है जानते हो आप? नहीं जाना। नहीं, NSE में वो यहाँ के कार्य निर्वाही अधिकारी है, विज्ञापन अंचल का अधिकारी है, उनके एग्जीक्यूटिव। बड़े अफिसर बोलो कहीं, जहाँ पे तो वहाँ बड़े अफिसर बोलो कहीं वो। तो कितने अफिसर को बोलते हो वहाँ जाके? 3 जन बोले। 3 जन बोले। लेकिन एक भी पैसा नहीं आया? नहीं आया। आपने बैंक अकाउंट कब चेक किया था? एक हफ्ता 2 हफ्ता हो गए ना चेक करत करत, और आखिरी में हम नहीं गए। तो आपका जो पैसा आपके अकाउंट में आया है वो 20/2/2024 को, ठीक है ना? ये है मतलब फरवरी 20 तारीख को इनको ये पहला किस्त मिला है। हाँ। 40,000 का। आपको वर्क ऑर्डर कितना तारीख को मिला था? वर्क ऑर्डर 11/15/16। वर्क ऑर्डर इनका मिला है 14/11, मतलब फरवरी 20 को पहला किस्त आया है, तो इसका मतलब है कि करीब 3 महीने पहले, 3 महीने पहले इन्होंने काम शुरू कर चुका है, जो कि नियम के मुताबिक इनका पहला जब फोटो खींचा जाता है तब 40,000 आना चाहिए, तब भी पैसा नहीं आया, तो ये कहाँ फंस गया? तो क्या कौन सा नियम के तहत जो नियम लिखा हुआ है ये पीछे में, ये नियम का भी उल्लंघन क्यों किया गया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आपका तो हालत तो ठीक नहीं लग रहा है पैसे के मामले में भाई, ठीक है? तो आप इतना पूरा लेंटरिंग तक कैसे उठा लिए?
पैसा आपको पहले से रखे थे कि कहीं से लाए क्या? कर्जा में लाने हैं, ब्याज में कौन नहीं दी, ब्याज में पैसा 5% में कौन नहीं दो, आप मन में मांगो तो दो, पैसा दो कि नहीं दो? समय 5% में लाए? कितना महीना, कितना लाए? 70-80 हजार लाने हैं। 70-80 हजार ले आए? चुकती आज ही आगू, अभी जल्दी जल्दी आज ही फटाफट किस तो उहाल उहाल ले दे देबो कहे ना मैं, पैसे ब्याज में लान के दे है और अभी हम नाटक कर रहे। कितना कितना पैसा हो गया आपका? 70 लाए तो कितना हो गया होगा? कितना हो गया, जितना भी हो ये किस्ती आई तो मैं पटा जाऊँ। 5% कितना महीना हो गया? अब 2 महीना हो गए। 2 महीना हो गया? हाँ। तो मतलब 70 के आप करीब 1 लाख पहुँच गया? हाँ है? हाँ ये आ जाए तो दे देबो, क्योंकि आदमी ला जोश रही से दे दो, मतलब खुद जोश दे लेने का, घर बनाओ तुरंत तुरंत पैसा छोड़ो। अच्छा, हाँ। कि अभी नहीं देते हैं पैसा, नहीं देते अभी 5 हजार, हम 5% ब्याज में आने हैं। अच्छा, तो फोकट थोड़ी है, तो आदमी कहाँ से, काकरो घर पैदा नहीं करे, कोई छापे नहीं, कोई बैंक नहीं है, सब मजदूरी करते। अच्छा, जो आप 70 हजार लाए कुछ गिरवी रखे क्या? नहीं है गिरवी, सोना चांदी नहीं रखे, ऐसे दिए आपको 5%। 5% ब्याज में तो ऐसे बोले क्या? एक दो कितना दिन में वापस कर दूंगा, ऐसे कुछ बोले? ये पैसा है तो तुरंत आप वापस करबो की ना, हम तो मतलब उधारी आने हैं, बालू वाला भी उधारी दी है। अच्छा, उसको उधारी लाए हो? हाँ। तो ये कह रहे हैं कि छड़ और सीमेंट जो है, हाँ, बालू उधारी से लाए हैं, लेकिन खर्चा खरीदे हैं ना भाई, ईटा खरीदे हैं और सीमेंट खरीदे हो, हाँ। फिर और ये मजदूरी जो कर रहे हैं वो मतलब नकदी दे है ना, वो मतलब उधारी दे है, मतलब नकदी दे है ना, मिस्त्री तो सुबह ही शाम के लेगी, घर में काकरो घर तो नहीं रहे ना, खाए पर तो कमाए रहते ना सब कोई, हम उधारी नहीं दे हैं, नकदी दे, मिस्त्री दे जा सब। मैं दर्शकों को बता दूं, ये एक जीवंत कहानी है, ये कहानी है, ये एक प्रधानमंत्री आवास योजना जो पा रहे हैं वो किस तरह से परेशान, और उसका सिर्फ एक उदाहरण है, हमारे पास बहुत उदाहरण है। मैं आपको मुंगरा पाली का सिर्फ एक केस बताया हूँ, ये जो इनको मिला है, इनको लेंटर के बाद 40 हजार मिला है, लेकिन नियम के मुताबिक अभी तक उनको पूरा पैसा मिल जाना चाहिए था, वो जो नहीं मिला, उसका जो प्रभाव क्या है, उसका प्रभाव यह है कि इनके पास पैसा नहीं है, तो इन्होंने मजबूरन ब्याज से उठाया, 70 हजार रुपये उठाया है, उसमें 5% ब्याज वो दे रहे हैं, उसके बाद बाकी जो है बाकी सब उधारी में है, जैसे कि आपका सीमेंट हो गया, ईटा हो गया, छड़ हो गया, ये सब सीमेंट ये सब उधारी में चल रहा है। ये है हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना का हाल।